अवाम इंडियंस के बारे में क्या राय रखती है, पाकिस्तानी अवाम को इंडियंस कैसे लगते हैं, और जब भी किसी इंडियन या इंडिया के बारे में जिक्र किया जाता है तो क्या वर्ड उनके दिमाग में आता है, क्या सोच उनके दिमाग में आती है। हम ना मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? इंडियंस के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इंडियंस जो होते हैं वो काफ़ी लाइक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इनमें इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक मज़हब को लेकर भी, और काफ़ी लाइक आप समझ रही हैं ना मेरी बात को, जो इंडियन हैं उनका कल्चर मुझे पसंद नहीं है ऐसे, लेकिन उनके अंदर खलूस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीक़ों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी आपके सामने इंडिया का जिक्र होता है या कुछ भी इंडिया के बारे में बोला जाता है, इंडियंस के बारे में बात की जाती है, तो क्या आपके जहन में क्या सोच आती है, क्या कौन सा वर्ड आता है, पहला वर्ड कौन सा आपके जहन में आता है? यही कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनका लाइक रहन सहन हमसे इस तरह से बेहतर है, लाइक हम जो होते हैं ना, हम अपने खाने को भी लाइक पाँव में रौंद रहे होते हैं, लेकिन वो अपने खानों को थोड़ा सा इस तरह का बेंच रखते हैं ताकि उनका पाँव में खाना ना आए। तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मुझे इन चीज़ों से अच्छा महसूस होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, लाइक वो अपने खाने को पाँव में नहीं रौंदते। और तो हमें चाहिए कि हम इंडिया की ये वाली चीज़ को अपनाएँ, और उनके इसके अलावा हम इंडिया की अदर चीज़ ये है कि हम उनके इखलास को देखते हुए हम भी आपस में एक दूसरे के साथ उस तरह से रहें, यानी कि उनमें एटिकेट्स बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात बड़े ज़्यादा हैं, लोग वहाँ से भी अपोजिट हैं यहाँ के और यहाँ से भी अपोजिट हैं वहाँ के, आपको नहीं लगता कि इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए? आखिर में हम लोग हैं तो ऑब्वियसली सब। जी बिल्कुल, इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम इंडिया के थोड़े बहुत तौर तरीक़ों को अपनाएं। फर्स्टली उनके जैसा हमें भी होना चाहिए, फुल टाइम इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि एक दूसरे की बात को हम समझ सकें और फिर उस पर हम एक्शन ले सकें प्रॉपरली, क्योंकि हम में इतना पोटेंशियल नहीं है, हमें चाहिए कि हम थोड़ा अपने अंदर पोटेंशियल को पैदा करें। इंडियंस बहसीत इंसान तो इंसानियत के नाते अच्छे लोग हैं, कलेक्टिवली जो भी थिंकिंग होती है वो मजमूई तौर पे होती है। कलेक्टिवली देखें, मुसलमान रह रहे हैं, सिख कम्युनिटीज है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, दे आर गुड। फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी उनके बारे में थिंकिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो हमारी पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं करती, कंट्राडिक्शंस चल रही हैं उनके अंदर। तो बहसीत इंसान देखें तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रिलीजन्स वहाँ पे भी आबाद हैं, तो उनको अगर आप देखें तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को देखें या अपने इश्यूज़ को देखें तो वो फिर हमें उनकी पॉलिसीज़ सूट नहीं करती, वो थिंकिंग बिल्कुल डिफर करती है जो ह्यूमैनिटीज़ की थिंकिंग है उससे। ये दो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं। आप किस एस्पेक्ट से देखते हैं, मैंने तो आपको पूछा है ना? मेरे एस्पेक्ट से भी दोनों राय होंगी, पॉलिसीज़ के साथ तो मेरा उनके साथ इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि कश्मीर बेसिक कॉज है, इसके अलावा भी और इश्यूज़ हमारे उनके साथ हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन बीइंग अगर आप देखेंगे तो वो हमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि हम उनके साथ बैठ के बातचीत भी कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान नफ़रत है, वहाँ से भी लोग हमसे नफ़रत करते हैं, यहाँ से भी हमसे लोग नफ़रत करते हैं, आपको नहीं लगता कि ये नफ़रत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए? नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। जब ये पिछले आपके क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपसे यही बात की थी कि जब तक आप बैठेंगे नहीं, डिस्कशन नहीं होंगे, डायलाग्स नहीं होंगे, तो जो आपके इश्यूज़ हैं उनका सलूशन नहीं निकल सकता। आप बैठें, आप डायलॉग करें, आप उस पर एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको डिस्कस करें, फिर एक जो है पब्लिक ओपिनियन बीच में आती है, तो फिर आप एक मसले के हल की तरफ आ सकते हैं। ये बताएं, कभी किसी इंडियन से मिले आप? इंडियन से मुलाकात हुई है मेरी। तो कैसे लगे आपको? नहीं, वो एक जनरल पब्लिक के लिए, जैसे अभी हम मार्केट में फिरें तो किसी से सलाम दुआ हो जाए, या आप फॉरेन किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी कम्युनिटी आपके साथ लोग रह रहे होते हैं, तो वो चीज़ है। तो इतना अगर आप कहें कि उनके साथ इंटरेक्शन रही है तो वो नहीं हो सके। आई थिंक अगर आप बैरून मुल्क देखें पाकिस्तान के अलावा, तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इंडियन और पाकिस्तानीज़ जो हैं उनका रिलेशन बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। बट स्पेसिफिकली अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक नैरेटिव पाया जाता है जो कि मुझे अब लगता है कि काफ़ी शॉर्टन हो गया पीरियड के साथ। उसमें यह है कि
काफ़ी लोग अभी भी समझते हैं कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, फाइट है। सो आई थिंक पॉलिटिकल थोड़ा सा है, प्रॉब्लम चल रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, बट प्रॉबेबली चांसेस यही हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर दोनों मुल्कों के रिलेशन अब बेहतर हो जाएंगे। आई थिंक दे आर गुड पीपल, दे आर लाइक सिमिलर टू अस। आई थिंक ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया, आई थिंक ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं, इनके लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, मतलब हमारे खाने पीने का, हमारे रिवाज और तमाम चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, 1947 में दो मुल्क आज़ाद हो गए, चेंज हो गया, तो अब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए हमें टेबल टॉक करनी चाहिए, हमारे इश्यूज़ जो हैं उसको हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन हु आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। आई थिंक इट्स बेटर। मुझे ये बताएं कि जब भी आप इंडिया के बारे में कुछ सुनते हैं तो पहला वर्ड कौन सा आपके दिमाग में आता है, क्या सोचते हैं आप? वेल, अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछें तो आई थिंक इंडियंस आर लाइक आवर ब्रदर्स। सो कुछ भी होता है, हमारा कंपेटिवनेस तो है आपस में, कंपटीशन तो होता है, लेकिन अगर वो अगेंस्ट किसी और कंट्री के अगेंस्ट होता है तो डेफिनेटली हम ये कोशिश होती है कि चले इंडियंस हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारी हिस्ट्री मिलती जुलती है, पिछले 1000 साल की हिस्ट्री हमारी एक जैसी है, तो वी फील गुड अबाउट देम कि चलें किसी न किसी चीज़ में, अगर कोई क्रिकेट मैच है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, तो अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी और कंट्री के अगेंस्ट है, तो वी सपोर्ट इंडिया कि चले इंडिया को जीतना चाहिए। और सिमिलरली इंडियंस भी अब इसी तरह सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया, ज़रा गवर्नमेंट थोड़ा सा चेंज होना, चेंजिंग चाहिए उसमें, कुछ पाकिस्तान की साइड पे भी और कुछ इंडियन साइड पे स्पेसिफिकली। तो आई थिंक विद टाइम, जो है विद पैसेज ऑफ टाइम, ये दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको नहीं लगता कि जो हेट है दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से भी है हमारे लिए और हमारी तरफ से भी है इंडिया के लिए, आपको नहीं लगता कि ये क्लियर हो जानी चाहिए, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए? देखिए, जब तक हमारे कुछ कोर इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, आई डोंट थिंक सो कि दोनों मुल्क करीब आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी पुराने चल रहे हैं, 75 ईयर्स से अब हो गए हैं, स्पेशली जो हमारा मसला कश्मीर का चल रहा है। अगर हमारा कश्मीर का मसला रिजॉल्व होगा तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस वजह से भी हेट है, या हेट जो है वो लोगों के अंदर डाली जाती है थ्रू मीडिया या फिर थ्रू डिफरेंट मीडियम्स के जरिए, कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हेट पाई जाती है वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो हमारा मीडिया जो है थोड़ा मैच्योर है इंडिया के, इंडिया से कंपेयर करते हुए। तो आई थिंक हेट पाई जाती है, लेकिन इश्यूज़ जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, हेट ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी कम हो जाएगी, रिलेशन हमारे आइडियल नहीं होंगे जब तक हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते दोनों मुल्कों के दरमियान। मुझे बताया, कभी मिले हैं किसी इंडियन से आप? जी, एक्चुअली मैं, मुझे अभी पाकिस्तान आए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, आई वॉज़ इन दुबई। सो मेरे जितने वहाँ पे दोस्त थे, नेबर्स थे, या हमारे एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ थे, काफ़ी इंडियंस वहाँ पे हैं, रेस्टोरेंट्स वहाँ पे इंडियंस हैं, और हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हमारे जो सिख भाई हैं वहाँ पे, और इवन जो सिख भाई नहीं भी हैं, जो दूसरे इंडियंस हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। दे फील गुड अबाउट ईच अदर, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस सेम है, हिंदी एंड उर्दू आर सिमिलर लैंग्वेजेस, तो आई थिंक हमारा आपस में कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई अपना 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 भाई है या अपना दोस्त है, कोई बिछड़ा हुआ भाई है अपना, तो उससे मुलाकात हो जाती है, इस तरह से हमारी फील होता है। इंडिया इज एक्चुअली आर, यू नो, आर फोर फादर्स, आर एंसेस्टर्स, दे आर फ्रॉम इंडिया, सो आई डोंट हैव दैट मच बैड फीलिंग अबाउट इंडिया बिकॉज आर रूट्स आर देयर, बट एज वी हैव, यू नो, डिफरेंट आइडियोलॉजी, और जिसकी बेस पे हमने पाकिस्तान लिया, तो दे हैव देयर ओन कल्चर, वी हैव आवर ओन कल्चर। इंडिया के बारे में कोई कुछ किस्सा सुनती हैं, कोई न्यूज़ सुनती हैं, तो आपके दिमाग में क्या सोच आती है, वो कौन सा वर्ड है जो आपके दिमाग में इंडियंस के लिए आता है? वो जो नहीं होता, बड़ा सौतेला भाई है ना, जो अलहदा हो जाता है और फिर लड़ाइयाँ झगड़े, अदरवाइज वी वर्क टुगेदर, तो वो वाला आ जाता है जहन में। तो मुझे ये बताएं कि हम दोनों ममालिक में जो है वो बड़े इख्तलाफात हैं, आप क्यों नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, और इसमें आपका सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, मेरा ख्याल है कि हमने इतने इख्तलाफात हैं नहीं जितने बना दिए गए हैं। यानी कि सोशल मीडिया ने ज़्यादा काम ख़राब किया, उतने इख्तलाफात नहीं हैं हमें जितने दिखाए जा रहे हैं, लगता है। क्योंकि हमारे बींग पाकिस्तानी और इंडियंस, हम लोग में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, हम लोग एक दूसरे के कल्चर से नफरत करते हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट बींग ह्यूमंस ऑन रियल ग्राउंड्स अगर हम लोग बात करें इंसान के नाते, तो हमें ऐसा उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारे कल्चर डिफरेंसेस हैं, जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, उन सबसे बरातर अगर हम लोग होके सोचें एक मुआशरे में इत्मीनान और इसे पुरसकून बनाने के लिए, तो आई थिंक वी शुड हैव टू लव इंडियंस, और इन रिटर्न वो भी हमसे प्यार करेंगे, तो मुआशरे में हम लोग स्टेबिलिटी कायम कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ख्याल आते हैं आपके मुझे, क्योंकि हमें जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है हमारी पाक स्टडीज़ की बुक्स में, खुद हमारे माइंड में ये इंटीग्रेट किया जाता है कि इंडियन
पेरेंट्स बुरे हैं, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन क्योंकि अब हम लोग पढ़ने के बाद इतना कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम लोग चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सके, सो आफ्टर स्टडिंग माई परसेप्शन अबाउट इंडियंस इज टोटली डिफरेंट नाउ एंड आई डू फील लव फॉर देम एज वेल। क्या स्टडी किया आपने इंडियंस के बारे में? एज फार एज के किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ और उसके बाद आफ्टरमेट्स पाकिस्तान ने क्या फेस किए, और अगर हम लोग उसे कॉन्शियस पॉलिटिकली कॉन्शियस होकर सोचें तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो पहले लोगों ने हमारे लिए इंटीग्रेट किया। सो अगर हम लोग सारे अच्छे ग्राउंड्स पे इसे रख के सोचना शुरू करें तो हम लोग मुआशरे में स्टेबिलिटी को कायम कर सकते हैं। हमें क्लियर करने चाहिए, लेकिन ये क्योंकि कहना आसान होता है उससे करना मुश्किल होता है। सब लोगों को मिलके सोचने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके करने की ज़रूरत है, और इन अ नटशेल हम सब इंसान अगर मुतहिद होकर सोचें इंसानियत के नाते इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे रख के, तो हम लोग इसका अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंध कितने ही खराब क्यों न हो, एक भारतीय हमेशा शांति और चैन की ही बात करता है। हालांकि पाकिस्तान में कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाक लड़की से सवाल किया गया तो उसका जवाब था कि दोनों देशों के लोगों के बीच मतभेद हैं, पर फिर भी भारत का कल्चर अच्छा है और हमें भारत का कल्चर अपनाना चाहिए। वहां के लोग मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। दोस्तों, दुनिया में अच्छे लोग होते हैं और थोड़े नासमझ लोग भी होते हैं, तो ये बात कि लोग बुरे होते हैं गलत है। लोगों को हम जो सोच बचपन से देंगे वही सोच उनमें रहेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं ये तो आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान भारत के कश्मीर का दावा छोड़ दे तो फिर भारत पाक की बात हो सकती है, और पाकिस्तान की ओर से कुछ गतिविधियां बंद हो जाएं तो भारत भी पाकिस्तान से टेबल टॉक कर सकता है। बाकी पाकिस्तान के कई सारे लोग चाहते हैं कि भारत पाक में संबंध अच्छे हो और व्यापार फिर से शुरू हो। इस बात को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने पहल भी की थी। उसके परिणाम स्वरूप करगिल हो गया और मोदी का पहले से जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ऐसी मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।